इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट, आपने शायद केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म बड़ी कॉमन सुनी होगी, डायपोल मोमेंट, वाटर का डिस्टॉर्टेड होता है स्ट्रक्चर ये वो, तो इस तरीके से आप करते हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत नज़दीक है। कितना नज़दीक है? 2 मीटर, 1 मीटर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना नज़दीक है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये डिस्टेंस है। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है कितना ही छोटा होता होगा, इतना छोटा होता है डायपोल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं डायपोल। तो डायपोल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस जरूरी है, बड़े बड़े डिस्टेंस नहीं होते, जो इनके बीच में डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है। तो जैसे H2 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने एग्जांपल दिया, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। आपको ये स्मॉल डिस्टेंस 2a, ये स्मॉल ही है, जैसे 2a की वैल्यू 0.001 मीटर है, तो a की वैल्यू 0.001 मीटर बाय 2 और छोटी हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड है 2a लेना। कोई कहता है a क्यों नहीं लेते, 2a लेते हैं क्योंकि मिड पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, और मिड पॉइंट से आधा डिस्टेंस ए, मिड पॉइंट से आधा डिस्टेंस ए, ए एंड ए होता है इसलिए। तो ये एक डायपोल है। डायपोल के अंदर एक कॉमन टर्म यूज होती है जिसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका सिंबल पी होता है, पी, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो पी वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, उल्टा होता है, ठीक। तो डायपोल मोमेंट है क्या? ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रांग है, वो अपने आसपास कितना ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। अब फील्ड कौन ज़्यादा जनरेट करेगा? जो स्ट्रांग डायपोल होगा, जिसके चार्जेस स्ट्रांग होंगे, जिसके चार्जेस स्ट्रांग होंगे हम देखेंगे भी उसका डायपोल मोमेंट भी स्ट्रांग होगा। तो डायपोल मोमेंट पी अगर स्ट्रांग होगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। तो हम ये अभी प्रूव करेंगे कि ई की वैल्यू डायपोल की कैसे निकलती है इन टर्म्स ऑफ पी। तो पी के साथ इसका रिलेशन निकालेंगे। तो इसके अंदर तभी वो कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को डायपोल मोमेंट हमें बताता है। डायपोल मोमेंट पी वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्यू इंटू टू ए वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर है तो ए भी वेक्टर है, और क्योंकि पी वेक्टर की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड के अंदर पी क्या रहेगा? क्यू इंटू टू ए। तो कोई भी एक चार्ज लेंगे और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे दो चार्जेस को, तो हमारे पास पी आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है, ठीक है यहाँ तक। यूनिट्स क्या है? पी क्या होता है? क्यू इंटू टू ए, कूलम मीटर, तो कूलम मीटर इसके यूनिट्स हैं। डायपोल फील्ड किसे बोलते हैं? डायपोल फील्ड है, एक डायपोल लिया मैंने क्यू एंड माइनस क्यू, उसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया? डायपोल ने, उसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड इज वॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इज डायपोल फील्ड, ठीक। कोई डेफिनेशन और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां तक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है।